नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज पावर ऑफ अटॉर्नी व्हाट डू यू मीन बाय पावर ऑफ अटॉर्नी पावर ऑफ अटॉर्नी भी एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है बहुत इंपॉर्टेंट लीगल ऑफ डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कि कि हम किसी को राइट्स दे देते हैं कि मेरे बिहाफ पे वो डिसीजन ले सकता है मेरे बिहाफ पे वो सारे काम कर सकता है तो इट इज एन इंपॉर्टेंट लीगल डॉक्यूमेंट दैट अलाउज अ पर्सन टू अपॉइंट अनादर पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन टू मैनेज हिज और हर प्रॉपर्टी मेडिकल अफेयर्स एंड हिज ऑन हिज बिहाफ इन हिज एब्सेंस जब हम किसी को पूरी अथॉरिटी दे देते हैं हमारे बिहाफ पे डिसीजन लेने के

दे आर टू टाइप्स ऑफ पावर ऑफ अटॉर्नी दो तरह की पावर ऑफ अटॉर्नी है एक ड्यूरेब पावर ऑफ अटॉर्नी विच इज वेरी इफेक्टिव डॉक्यूमेंट इवन इफ द प्रिपल बिकम डिसेबल अगर प्रिंसिपल डिससेबल भी हो जाए तो भी उसके पास पूरी पूरी पावर रहती है यह ड्यूरेबल पावर ऑफ अटॉर्नी है ऑन द अदर हैंड स्प्रिंग पावर ऑफ अटॉर्नी दूसरी है स्प्रिंगिंग दैट टेक्स इफेक्ट इमीडिएटली आफ्टर द प्रिंसिपल इलनेस और इन एबिलिटी जो ऐसे होता है कि अगर मैं बीमार पड़ू तब इसके पास पावर ऑफ अटॉर्नी जाएगी जब तक मैं ठीक हूं तब तक मैं अपनी डिसीजन खुद लूंगा तो दिस इज टू टाइप ऑफ पावर ऑफ अटॉनी और एक ऐसे भी होता है que कुछ डिसीजन के लिए आप किसी को पावर ऑफ हटाने दे रहे हो जैसे मैं कहती हुए मेरे से फाइनेंशियल डिसीजन के लिए मैं इसको पावर ऑफ हट दे रही हूं बाकी और किसी चीज का डिसीजन ये नहीं ले सकते या मेरी से मेडिकल कंडीशन के लिए मैं इसको पावर ऑफ हटाने दे रही हूँ तो वो सिर्फ उसी चीज़ में उसके पास राइट है और किसी चीज में उसके पास राइट नहीं है किसी भी चीज का तो कहने का मतलब ये है कि जब आप किसी पर्टिकुलर चीज के लिए किसी को पावर ऑफ हटाने देते हो तो वो भी इसमें टाइप आ सकता है और बाकी उसके लिए भी आ सकता है कि ड्यूरेबल या स्प्रिंगिंग पावर ऑफ अटॉर्नी तो पावर ऑफ अटॉर्नी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कैसे किसी को आप पावर देते हो अपने बिहाफ पे डिसीजन लेने की पावर और ये एक लीगल डॉक्यूमेंट में तैयार होता है